नाज़ी लीडर एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तमाम जर्मन्स के पास गाड़ी होगी। वो जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे थे वो जर्मन्स को छोड़े पूरी दुनिया के अंदर छा गई, और वो ये है वॉक्सवैगन बीटल, जिसको आम जबान में फॉक्सी, बग, इन सब नामों के साथ जाना जाता है। ये ओरिजिनल बीटल है जो 172 की 1200 सीसी वाली गाड़ी है। इसके अंदर 1100 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी, 1600 सीसी, बहुत सारे इंजन वेरिएशंस आए हैं। ये गाड़ी 1938 में बनना शुरू हुई थी, और ब्राज़ील के अंदर ये वाला जो ओरिजिनल बीटल है 2003 तक इन प्रोडक्शन रहा। तो आज देखते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गाड़ी के बारे में कि इसके अंदर क्या है। गाड़ी के हम लुक एंड डिज़ाइन पे बात करते हैं तो एक इसका बड़ा ही एक कर्वी सी डिज़ाइन है, जो 1938 में बाकी गाड़ियाँ थी उनसे एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की इसकी शेप थी। यहाँ पे आपकी हेडलाइट विद अ क्रोम रिंग आती है, इंडिकेटर लाइट उसके साथ भी क्रोम है, क्रोम के बम्पर्स, यहाँ पे आपके पास क्रोम की ये थोड़ी सी वेंट्स टाइप के आ जाते हैं फ्रंट पे। तो अगर इसका सामने से आप यूँ खोलते हैं तो यहाँ पे आप इसका स्पेयर टायर और इसका ट्रंक फ्रंक, जो कि आजकल हर इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आते हैं और सुपरकार्स में आते हैं, तो फ्रंक आपका यहाँ पे आता है। और इसके अगर हम नीचे देखते हैं तो इसका जो आपको फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फ्यूल का जो टैंक का जो ओपनिंग है वो यहाँ पे आपके पास अगले फेंडर के अंदर आती है, जो कि मैंने अंदर से खोला है, इस वक्त आपको जब अंदर जाएंगे तो दिखा दूंगा। ये क्रोम की पूरी स्ट्रिप आ रही है, आपके जो फेंडर्स हैं बड़े एक ओवर फेंडर टाइप के आते हैं, साइड स्टेप इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, ये आपके जो हैं क्वार्टर वेंट विंडोज़ इसके अंदर हैं, क्रोम अगेन, टू डोर गाड़ी है आपके पास, क्या उसे कहते हैं, इसके जो व्हील कैप्स हैं ये ओरिजिनल वाले व्हील कैप्स हैं जो इस तरह से बीच में आते थे, और इसका जो जो व्हील कैप्स के साथ जो रिम है वो 15 साइज़ का इसका एक अदद रिम आता है। फिर आप अगर पीछे से भी इस गाड़ी की पूरी एक साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो इस तरह से पूरी एक एक कर्व में होते 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 यहाँ पे पूरी नीचे तक इस तरह से ये आके एंड होती है। अब अगर हम पीछे इसी तरह आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर पीछे भी आपके पास अच्छा सा एक क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, या आपके पास एक वेंट है क्रोम का, क्रोम के बम्पर्स हैं आपके पास, ये पीछे नंबर प्लेट की लाइट आ जाती है, रियर लाइट आपकी हैं जिसके अंदर आपके पास इंडिकेटर ये सब यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। डिक्की की जगह पे इस गाड़ी के अंदर आपके पास बेसिकली इसका इंजन आता है, और ये गाड़ी की ये खसूसी चीज़ है कि इस गाड़ी में एक रेडिएटर नहीं होता, ये एयर कूल्ड इंजन है, तो मतलब हवा जब गाड़ी चलती है तो हवा के हिसाब से उस गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। तो अच्छा, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है 4 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन, 4 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक और 3 स्पीड सेमी ऑटोमेटिक, ये 3 ट्रांसमिशन इन गाड़ियों में आती थी। और जिस तरह की इस वक्त ओरिजिनली रिस्टोर्ड गाड़ी है तो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, इस गाड़ी के जो इनिशियल मॉडल होते थे उसके अंदर पीछे की विंडो छोटी होती थी, वो स्प्लिट विंडो होती थी, मतलब इस तरह के डिफरेंट फेसलिफ्ट आप कह सकते हैं कि पिछली लाइटें छोटी हुई फिर बड़ी हुई और इस तरह से, तो आप उस तरह से कह सकते हैं डिफरेंट फेसलिफ्ट इस गाड़ी में ज़रूर आते रहे, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी का डिज़ाइन था वो यही रहा। अब गाड़ी को पिछला दरवाज़ा खोलने के लिए अगर आप यहाँ पर आके देखते हैं तो इसके ये दरवाजे के अंदर ये बटन, यहाँ पे जो डोर हैंडल है इसके अंदर इस तरह से बटन दिया हुआ है जिसको आप दबा के ऐसे दरवाज़ा खोल सकते हैं। दरवाज़ा हमने खोल लिया और हम गाड़ी के अंदर आ गए। अगर अंदर हम दाखिल होते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई इतना ख़ास बताने वाला नहीं है, आपका ये शीशे उतारने चढ़ाने के लिए आ गया, ये आपका डोर खोलने के लिए आ गया, और ये आपका बंद खींचने के लिए आ गया। ये ओरिजिनल चाबी है इसकी, अगर आप उसको देखें तो VW का इस पर साइन भी दिया हुआ है, और इसको हम यहाँ से अंदर डालते हैं और इसको हम आराम से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा रेस लेके दोबारा करते हैं। मजा आया आवाज़ सुन के, मुझे भी आ रहा है। अब अंदर अगर हम गाड़ी के आते हैं तो सबसे पहले आप इसके स्पीडोमीटर में देखते हैं तो 100 माइल पर आवर तक का इसका स्पीडोमीटर मौजूद है, उसके ऊपर आपका ऑडोमीटर आता है, यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक का आ गया कि कितना, और अभी मैंने चूँकि गाड़ी अभी भी बंद की है तो अभी भी आराम आराम से वो वापस जा रहा है अपनी जगह के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी हुई गाड़ी, आपका स्टेयरिंग देखें तो ये 2 स्पोक का स्टेयरिंग है और एक बहुत बड़े साइज़ का पुराना जैसे स्टेयरिंग होते थे उस तरह का स्टेयरिंग है। इंडिकेटर आपका इस तरह से आ जाता है, ये हेडलाइट का आपका बटन लिया गया, वाइपर्स का बटन लिया गया, हेजर्ड्स का बटन यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपका एक एस्ट्रे आ गया, ये आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट है, और जो आपका फ्रंक खोलने के लिए ये वाली जगह से आप अपना फ्रंक खोल सकते हैं। अच्छा, ये आपका इसका गियर है,
गियर के अंदर आपका बाकी सब तो नॉर्मल है कि आपने ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ किया, लेकिन अगर आपको इसको रिवर्स में डालना है तो उसके लिए आप पहले इसको दबाएंगे और फिर आप इसको सेकंड में लाएंगे तो ये रिवर्स में इंगेज होगा। दबा के या देखें तो दबा के इस तरह आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इसका जो है हैंड ब्रेक आ जाती है साइड पे बीच में एक छोटी सी आपकी, क्या उसे कहते हैं। और अगर आप हेड स्पेस देखते हैं तो बड़ा एक मज़े का हेड स्पेस वाली जगह है इस गाड़ी के अंदर। इस तरह से स्पेस देखा जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं है दो पैसेंजर्स के बीच में, मतलब आराम से छोटी गाड़ी है तो मैं मतलब अगर कोई पीछे बच्चा भी बैठा हुआ और यहाँ तक मैं उसको रखना चाहता हूँ कोई हाथ पास, तो आराम से मेरा इधर तक जा सकता है। क्योंकि गाड़ी में कप होल्डर्स का उस वक्त ज़माना नहीं था तो इसमें आफ्टर मार्केट कप होल्डर लगे हुए हैं। और अगर आप इसके एक्सीलेटर क्लच और ब्रेक को देखें तो ये सब जो है वो नीचे से आ रहे हैं, तो ब्रेक भी आपकी सर नीचे से आती है, क्लच भी और एक्सीलेटर भी सब नीचे से आते हैं। और ये जो मॉडल है ये थोड़ा वो जो मॉडल ये है इसके अंदर हीटर भी ओरिजिनली आता था, तो अगर आप उसको देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखें ये उसके भी वेंट्स इधर नीचे भी दिए हुए हैं और इधर भी दिए हुए हैं। इधर ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी उसके वेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब अगर मुझे इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ जाना है तो मैं इसका ये लैच ऐसे उठाता हूँ, सीट ये आगे चली जाती है और बड़े आराम से इस तरह से पीछे आके गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर बैठने का कंफर्ट वाइज देखता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि जैसे आप मैरान वगैरह में बैठते हैं या उससे थोड़ी बड़ी भी अगर हम करें कोई करोला शरोला के अंदर जैसे हम बैठते हैं तो मेरा हेड स्पेस, ऑल्दो ये ऐसे पूरी कर्व में जा रही है लेकिन हेड स्पेस के हिसाब से मेरा यहाँ पे लेग स्पेस के साथ और यहाँ पे दो बड़े और एक बच्चा तो आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा कोशिश करके हम तीन बड़ों को भी यहाँ पे फिट कर सकें क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे साइड पे नहीं बैठा, अगर मैं ऐसे थोड़ा साइड पे हो जाऊँ तो तीन बड़े इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। मतलब पाँच लोगों के बैठने के लिए गाड़ी के अंदर एक मुनासिब किस्म की आपके पास जगह जो है वो मौजूद है। और पीछे आपके पास इधर स्पीकर्स का बोर्ड भी आ जाता है जो कि अगर आप यहाँ पे ऐसे देखें तो ऑल इन ऑल बड़ी मज़े की इसमें जगह है। और मैं अगर इसमें वापस बाहर आता हूँ और एक और चीज़ जिसकी आपको मैं सुनाना चाहूँगा, इधर आए अगर दरवाजे की आप इसकी आवाज़ सुने तो जो जी वैगन के दरवाज़ों की आवाज़ होती है, जो आजकल लोग जी वैगन के दरवाजे को बोलते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त दरवाजा है, साउंड है जी। तो अब मैं ये बीटल चला रहा हूँ ड्राइव। सो ये गाड़ियाँ देखने में छोटी लगती हैं बट इनकी जो ड्राइव होती है ना बड़ी गाड़ी वाली ड्राइव होती है, बिकॉज ये गाड़ियाँ इतने वॉल्यूम में बनी हैं और इतनी एक मास प्रोडक्शन वाली गाड़ी है, इसके पार्ट्स वार्ट्स की आपको आज भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं एक ज़माने के बाद ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने मेन रोड पर नहीं लेके निकलूँगा, घर के अंदर ही चलाऊँगा, जो कंपाउंड है इसी के अंदर चलाएँगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या चल रही है और कैसे चल रही है। फ्यूल पे 8 की एवरेज देती है। गाड़ियाँ अभी भी बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उसकी वजह से पार्ट्स वार्ट्स आपको मिल जाते हैं। प्राइसेस इन गाड़ियों की बहुत ऊपर चली गई, मुझे भी बता रहे थे अमीन जिनकी गाड़ी है कि ये गाड़ियाँ जो हैं आजकल के बाज़ार के अंदर अगर आप लेने जाते हो तो आपको लोगों ने 15-15 लाख रुपए भी इन गाड़ियों के मांग रहे हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग इन माई ओपिनियन कि इतनी महंगी ये गाड़ियाँ हो गई हैं। आई डिड नॉट थिंक ये गाड़ियाँ इतनी महंगी हो सकती हैं, बट अगर इस तरह की एक रिस्टोर्ड गाड़ी की आप कॉस्ट भी देखते हैं तो 10-12 लाख रुपए की आजकल कॉस्ट आ जाती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कंसिडरिंग कि हर चीज़ की ही एक प्राइसेस जिस तरह बढ़ गई हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये गाड़ी भी इस तरह से महंगी हो गई है। जो इंजन का इसका साउंड एंड ग्राउल है ना बेस्ट है, बहुत मज़े की आवाज़ आ रही है इस गाड़ी के इंजन की एंड आई एम इन्जॉइंग दैट फील ऑफ दिस व्हीकल। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ऑल्दो इसके जो साइड मिरर्स हैं वो बहुत छोटे हैं आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बट स्टिल विजिबिलिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। एंड ये जो आपकी वेंट विंडोज़ होती हैं इसका बड़ा एक ज़बरदस्त है कि बड़ी अच्छी हवा आ रही है, इवन ऑन अ स्लो स्पीड हवा बहुत अच्छी आ रही है इस विंडो से आपके पास। ऑल इन ऑल जी ये है, टर्निंग साइकिल भी गाड़ी का कोई इतना बुरा नहीं है,
पावर विंडो नहीं है, पावर स्टीयरिंग नहीं है, आपका जो वो है जो ब्रेक्स हैं वो भी आपकी कोई हाईटेक डिस्क ब्रेक्स या कोई ABS ब्रेक्स नहीं है, तो वो उन सारी चीज़ों को आपको उसको कंसिडर करना होता है इन गाड़ियों में चलाते हुए। बट मज़े का आइटम है। तो ये हमारा रिव्यू था इस Volkswagen Beetle का, मुझे करके बहुत मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को देख के मज़ा आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा अपना। और अगली दफा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अर्शद बैम व्हील्स।